शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके 11,000 नहीं 6,000 रुपए बनते हैं बस। साहब साहब मेरी मैं बात जो कह रहा हूँ वो कीजिए, घर जाके हिसाब चेक कीजिए, जाइए प्लीज। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। आपने काजल को देखा है? मैंने नहीं देखा, मैं सुबह से अपनी टेंशन में हूँ। जी आई जो ने देखा होगा। जी आई जो। ओके अंकल। अरे यार ये कटलेट क्यों भेज दिया, मेरा ऑमलेट क्या हुआ? जल्दी भेजो। मैं टेंशन में हूँ, इस लड़के ने मुझसे ऑमलेट मांगा, मैं तो कटलेट भिजवाया, मैं अपनी टेंशन में हूँ। आपने काजल को देखा है? निकल गई सुबह सुबह वो, निकल गई। अरे कहाँ गई काजल? काजल नहीं, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ भाई। निकल गई सुबह सुबह वो, और मुझे पता वो कहाँ चली गई है, रामदास के साथ पिक्चर देखने गई होगी। कैसी की तैसी सुबह सुबह मॉर्निंग शो होता है ना सुबह सुबह, एक तो मैं अपनी बीवी के टेंशन में हूँ। तो आप अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं हो? वो औरों के साथ क्यों जाती है पिक्चर देखने, अपने पति के साथ क्यों नहीं जाती? तुम्हें क्या लगता मैं समझाता नहीं? ये औरतें समझती है क्या? उसकी भी क्या गलती है बेचारे की यार, फिल्में ऐसी बन रही है, पति के साथ बैठ के देखने लायक कोई फिल्म बन रही है आजकल? लो ये हंस रहे हैं, मैं टेंशन में हूँ एंड ही इज लाफिंग। क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने काजल को देखा और नहीं देखा तो मेरा दिमाग मत खराब करो। हाँ, काजल तो कॉलेज में गई है, बहुत टेंशन में थी, कॉलेज में गई है। करेक्ट। संडे को कौन सा कॉलेज खुला होता है? देखो भाई, टेंशन वालों के लिए संडे वनडे कुछ नहीं है, कॉलेज बंद है तो लाइब्रेरी में हो सकती है, आज में टेंशन में बैठे किताब पढ़ सकता है। कमाल है, चला गया टेंशन में, टेंशन का मतलब नहीं समझते। इंसान टेंशन में किसी का मर्डर कर सकता है, सुसाइड कर सकता है, जेल जा सकता है, फांसी के फंदे पे चढ़ सकता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? शट अप, जाके अपना काम करो। आप निकलेंगे तो करूंगा ना, देश का तो ये दुर्भाग्य है किसी की जगह पे कोई और आके खड़ा हो जाता है। तो ऑमलेट यार। अरे मेरे बाप, ऑमलेट के लिए मुर्गी मुर्गे को पटाना पड़ता है, उसको तोड़ के मसाले में जुटाना पड़ता है, तवे पे लिटाना पड़ता है। अब मैं तेरे को लिटाऊंगा क्या? बैठ। व्हाट इज दिस यार? एक तो किचन से आएगा ना सलाद, टेंशन दे क्या? अबे ऑमलेट। मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। देखो तुमने मुझे यहाँ धोखे से बुला लिया। धोखा कहो या फेक कहो, जो चाहो कह लो, लेकिन प्यार और जंगल सब जायज होता है। आज कौन बताएगा? रुको। इसकी हिम्मत कैसी तुम्हें छूने की? हट जाओ काजल। राज, भागने का मन चाहोगे? राज तुम जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये जो कर रहा था तुम्हारे साथ वो ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहा है? पहन के आते इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कर रहे हो? वो मर जाएगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अकेले में छूने की? बाकी सब तो है सब। ये कब आए? सुबह से मेरे साथ है। ये सब कब आए? शिट यार, इसने तो सत्यानाश कर दिया हमारे प्ले के रिहर्सल का। ये कौन डोल रहा है? मार डाला, ओ मार डाला। ओ कमल, ठीक है तू? ठीक। अरे ठीक तो है ना? ठीक। अरे क्या ठीक है? ठीक से ठीक नहीं बोल पा रहा, कहता ठीक है ना तू ठीक है ना मैं ठीक हूँ, कोई ठीक नहीं है। क्या मेकअप लगाया यार, बड़ी चिकटी गिर रहा है। तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, नाटक की रिहर्सल हो रही है। झगड़ा कर रहे हैं। काजल मेरी बात तो सुनो, पागल हो गई हो तुम? ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या ये ठीक है? क्या हुआ काजल, मिल गए क्या? मिल गई, रिहर्सल कर रही थी। सुनो तो फोड़ दिया रे। इधर आबे गोरे, तुमने बताया क्यों नहीं कि वो रिहर्सल कर रही है? बताया तो था कि वो टेंशन में। तो टेंशन और रिहर्सल का क्या ताल्लुक होता है?
अरे चार दिन के बाद शो है, नाटक का कोई पता नहीं है और हीरो को तूने कुत्ते की तरह मार दिया है तो टेंशन में नहीं आएगी? टेंशन में आ गई ना? ठंडा पिलाओ क्या? ए, मेरे से ऑमलेट यार। तेरे को मैंने कॉलेज से निकाल दिया, जाओ। एक काम करते हैं। हाँ। जब उसको टेंशन होती है ना तो उसको बहुत भूख लगती है, तू एक काम कर, खाएगी तो टेंशन दूर हो जाएगी। तू ये समोसे ले जा और ये पेस्ट्री ले जा और ये मैं नूडल्स भी डाल देता हूँ, पता नहीं कि मैंने हाथ से डाले, खामखाम गुस्से हो जाएगी, तू तो जानता है उसका गुस्सा। अब क्या हुआ, अब कौन सी टेंशन है तुम्हें? अरे भाई मैं ये सोच रहा था कि इन औरतों का मूड तो कुछ पता ही नहीं चलता भाई, किसी को टेंशन में भूख लगती है, भूख पर टेंशन लगती है। मेरी औरत का एक बात बताऊं मैं? अरे एक बार नहीं, 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 बस 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 कर, जाओ मैं ले जा, ले जा। चल मनीष डायलॉग बोल। चाहे धोखा कहो चाहे फरेब कहो, मधु क्या कर रहा है तू? डांस कर रहा है कि डायलॉग बोल रहा है? डायलॉग बोल रहा हूँ। चल भाग, डांसर की औलाद। चल तपन, तू ट्राई कर। फेरी क्यों दे इसको? तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। धोखा कहो फरेब कहो चाहे जो कुछ भी कह लो, सेब कहो अंगूर कहो चाहे जो कह लो। तपन ये लाइन डायलॉग में है क्या? नहीं ये मेरी अपनी है, ओरिजिनल। ओरिजिनल? तेरे गुस्से में पावर नहीं है, कुछ खा ले, एनर्जी मिलेगी और गुस्सा आएगा। रोमी चलो, फिर क्यों दे फटाफट? तुमने धोखे से मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन प्यार और जंग में सब वाजिब है मधु। अरे एक्टिंग इनके बस का रोग नहीं है, मुझे चांस दो, मैं हीरो लगता नहीं हूँ, ऐसे एक्टिंग करूंगा कि ये भी देखते रह जाएंगे। मैं कहां से रहा हूं? मैंने देखा तो हजरा था। अरे नहीं ऐसा भाई, पक्का पक्का। अच्छा कुछ बात बनी? कहां से बनेगी बात, कुछ दिखा दे रहा, दिखा दे रहा ना, फिर पूछ रहा बात बनी है, ऐसे बनती है बात क्या? अब मैं क्या करूं? जान माल इज्जत की सलामती चाहता है तो पतली गली से निकल ले। मैं भी यही सोच रहा हूं। सोच मत, इससे पहले कि काजल आ जाए टूरी हो ले ये शहर छोड़ के टूर पे निकल ले। अरे ऑमलेट तो मिला नहीं, और क्या है तेरे मेनू में? मेनू में दिखाई नहीं दे रहा मेनू में? ये नमक मिर्च ले और मेरे को चाट, चाट ले मेरे को, आजा आजा। अरे अरे चाट क्या कर रहा है यार, चाट छोड़। He messed up my play, समझता क्या है अपने आप को? चला भाभी राज कहाँ है? वो तो सो रहा है। सो रहा है? ठहरो अभी देखती हूँ। अरे अच्छा स्टूपिड, आराम से सो रहा है। हाँ क्या बात है, क्यों मार रही हो, पागल तो नहीं होगी तुम, हमेशा मारती रहती हो। नींद उड़ा के तू चैन की नींद सो रहा है? तूने मेरे हीरो को मारा था ना? अरे लेकिन मैंने गलती हो गई, मैंने जो मारा, मार मार के तेरा हीरो बना दूंगी मैं। बैठ है वो, लग जाएगा। बहुत शौक है ना मारने का, अब तू उसकी जगह एक्टिंग करेगा। अरे मेरे बाप दादा ने कभी एक्टिंग नहीं की है। देख राज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे मेरे कपड़े भी नहीं पहने हुए। और भी पहनाती हूँ। छक्का लग गया छक्का। राज क्या कर रहे हो तुम लोग? भाभी भाभी पागल है ये लड़की। प्यार और जंग में सब वाजिब होता है मधु। वैसे एक बात बताना, ये वाजिब कौन है? यार राज एक्टिंग मत करो। अरे कभी कहती हो कि एक्टिंग करो, कभी कहती हो कि मत करो, करूं तो क्या करूं? एक्टिंग मेरा मतलब है एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो रियल लगे। ये रियलिटी यार स्वीटीज के लास्ट एक्ट के डायलॉग दे यार। ले यार पढ़ प्लीज, पढ़ जोर से पढ़ो। ये सब तेरी वजह से हो रहा है टुंडे। तुम मेरी थी, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ओफो चिल्लाओ मत, आई मीन चिल्लाओ मत राज, अंदर से बोलो प्लीज, अंदर से। यार अभी तो बोला चिल्ला के बोलो, अभी बोलती हो अंदर से बोलो, तुम मेरी थी, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी डार्लिंग। राज क्या हुआ? बाहर निकलो, बाहर निकलो। अंदर यानी कमरे के अंदर नहीं, स्टूपिड के अंदर से। स्वीटीज को क्यों दे यार प्लीज। ले यार ले, वादा करो तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगे। वादा क्यों, तो मेरा दिल निकाल के ही रख लो। अब वहां क्या पड़े हो, उठो उठो उठ जाओ। मुझे नहीं करना प्ले प्ले, यहाँ। अब तुम लोग सही ये लगाते भी नहीं हो। राज मैंने कहा यहाँ आओ। बोलो, मेरा हाथ पकड़ो। मेरी आंखों में डूब कर देखो,
मैं वही हूं जिसे तुम जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते हो, जिसके लिए तुम्हें मौत भी हंसकर कबूल है। वही हूं मैं, इसे महसूस करो। फील इट राज, कम ऑन राज, और अब अपने डायलॉग्स बोलो। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ऐ मोहब्बत के फरिश्ते, तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कैसे भूलूंगी। पतंगे की क्या कुर्बानी, यह तो शम्मा की मेहरबानी है कि वो मरने से पहले उसे एक बार अपने रोशन होठों से चूमती है। गारत हो वो होठ जिन्हें चूमने की सजा मौत है। हे! मौत तो इनाम है मधु, सजा तो वो होती है जब इन होठों से दूर रहकर जीना पड़ता है। लेकिन अब बात हुआ प्रिय, मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुझे रोकना मत। तब तक के लिए नहीं, रुक जाओ। अलविदा मेरी जान। नहीं। अलविदा मेरी जान। अलविदा। नहीं। अलविदा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे मेरी महबूब।